मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल ही होंगे। तो चलिए हम बताते हैं, यदि आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के से प्यार करते हैं, किसी के प्यार में पागल हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं या प्यार करके शादी करना चाहते हैं, तो इसको आप कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि आपके बस में वो आपके पास आ जाए, आपसे प्रेम प्रसंग करने लगे, आपसे प्यार करने लगे, आपके प्यार में पागल हो जाए। तो मेरे प्यार भक्तों, तो चलिए हम बताते हैं, इस सारे प्रक्रिया का उपाय एक ही है, सिर्फ और सिर्फ वशीकरण। वशीकरण को हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे और कैसे, किस तरह करेंगे और कब करेंगे और कहाँ करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि इसको हम किस विधि से करेंगे। यदि आप इस वशीकरण को अपने पुण्य विधि से कर देते हैं, अच्छे से कर देते हैं, तो 110% आपका विधि पूर्ण होगा, आपका विधि सिद्ध होगा और आपका प्यार आपके पास आने के लिए तड़पने लगेगा। तो मेरे प्यार भक्तों, ये लड़का हो या लड़की हो, किसी को अपने बस में करने के लिए एक वशीकरण ही एक ऐसा विधि है, एक वशीकरण ही एक ऐसा क्रिया है कि जो अपने खोया हुआ प्यार को, बिछड़ा हुआ प्यार को अपने बस में कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे और कब करना है और क्या क्या सामग्री आपको लेना है। तो मेरे प्यार भक्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बताते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रविवार की रात में 11 बजे अपने बिस्तर पर बैठे बैठे इस क्रिया को कर देना है। ये क्रिया करने के बाद आपका प्यार आपके बस में हो जाएगा, आपका प्यार आपके पास आ जाएगा, आपका प्यार आपके लिए तड़पल पल के लिए तड़पेगा। तो चलिए हम बताते हैं क्या करना है। रविवार के रात को 11 बजे एक गिलास पानी लेना है और थोड़ा सा चावल लेना है, एक लहसुन का गोटा लेना है और थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा चंदन लेना है, और अपने पेपर पर रख लेना है। पेपर पर रखने के बाद आपको करना क्या है, उस चारों सामग्री को सिद्ध करना है, वशीभूत करना है, उसी के ऊपर वशीकरण करना है। यानी समझ लो कि इस चारों सामग्री उस तक पहुंचाना है जिससे आप प्यार करते हैं, इस वशीकरण के माध्यम से। तो चलिए हम बताते हैं, उस चावल में और चावल, सिंदूर और लहसुन और चंदन, इस चार सामग्री को आपको लेना है, और लेने के बाद आपको क्या करना है चलिए बताते हैं। पेपर में रख लीजिएगा, पेपर में रखने के बाद एक ही मंत्र बोलना है, दो या तीन लाइन का मंत्र होगा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु के जगह पे एक कुरु का बोलना है और दूसरे कुरु के जगह पे उस लड़की का नाम लेना है या उस लड़का का नाम लेना है जिसको अपने बस में करना चाहते हैं, जिसको अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं। ये मेरा वादा है कि इस क्रिया को आप कर दीजिए, अगर सही पूर्वक आप इस क्रिया को कर देते हैं तो आपका प्यार 110% आपका पास रहेगा, आपके पास रहेगा, आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा। तो मेरे प्यार भक्तों, यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका काम सिद्ध हो।